बेटा एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं सी3 और सी4 पार्ट का सी4 और सी3 सारी का रिवीजन कर लीजिए क्या कर रहा है नरेश पाल
रिम्बा लेके तो गए बेटा। हां फेवरेट है ठीक बेटा। हम लोग इसके नीचे पॉइंट लिखना, इसके नीचे लिखना अच्छा लगा रिम्बा लगा हम भी तो कह रहा था बेटा लिखना इसमें। देखो इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे इन द फोटो रेस्ट, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा रेस्पिरेशन ठीक है, और वो भी आप लोगों को बिल्कुल सरल लगेगा, आपको बस पढ़ के आना बस और कुछ मत करना ठीक है। देखो इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज of glucose, comma ATP and NADPH। यहाँ कुछ भी नहीं बनता, ना ATP बनते हैं, ना NADPH बनता है, और ना ही बेटा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ठीक है, comma लगाओ उसके बाद, और लिखो result in the release of glucose, और क्या बनता है, लिखो result in the release of CO2, release of CO2 with the utilization of ATP, with the utilization of ATP। तो बेटा यहाँ कितना उल्टा हो रहा है, हम तो इसलिए रिएक्शन करवा रहे हैं इससे क्या हो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो, सही है? देखो क्या लिखा with the utilization of ATP, सही है? तो यहाँ देखो कितनी बेकार प्रोसेस है, यहाँ पे ना तो ग्लूकोज बना, ना ही ATP बना, ना ही NADPH बना, बल्कि CO2 और रिलीज हो रही है। अगर सारे प्लांट ऐसा करने लगे तो क्या होगा, और CO2 रिलीज हो रही है और सेकंड क्या हुआ और ATP खत्म हो रहे हैं। तो इसके बाद बेटा ब्रेकिंग में लिखो इसके फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, तो इसीलिए सी थ्री प्लांट के पास का भी सोना मत बेटा नीचे उसके, सही है? वरना आपको CO2 मिलेगी और O2 आपको चाहिए नहीं, और वो बल्कि यूटी और O2 का खर्च करेगा, सही है? O2 क्या करेगा, खर्च करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा, लिखो फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस in which intake of O2 and release of CO2, occurs in the presence of light। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फोकस में ध्यान रखना ठीक है, in the presence of sunlight। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, प्लांट O2 लेता है और CO2 क्या करता है, छोड़ता है ठीक है। अच्छा ये बताओ प्लांट के पास O2 कहां से आती है, जो लाइट एक्शन से बन रही है वही तो O2 बात हो रही है, वही O2 प्लांट क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है अपने में और निकालता क्या है CO2 ठीक है। ये कब होता है, जब प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो, सनलाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, सही है, तब ऐसा होता है। और ये कौन से प्लांट में होता है, ओनली C3 प्लांट, C4 प्लांट में नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो रिस्को एंजाइम होता है उसको कहां से पा किया जाता है, बंडल सी से, क्लियर है आपको इतना, सही। नेक्स्ट का बेटा यहां पे काम पूछ जाता है कि बताओ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं सेल के पास, तो लिखना पॉइंट है हाँ। देखो फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीटेड इन थ्री सेल ऑर्गेनिज्म, कितने सेल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट करते हैं, थ्री सेल ऑर्गेनिज्म। आप लोग पढ़ कर रहे हो समथिंग, देखो थ्री सेल ऑर्गेनिज्म लिख लिया, ऐसे लिख लो नंबर वन लिखो क्लोरोप्लास्ट, खाली आपको नाम याद रखना बस, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, नंबर वन क्लोरोप्लास्ट, नंबर सेकंड पेरोक्सीसोम, और नंबर तीन माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों सेल ऑर्गेनेल्स बेटा क्या करवाते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। नोट क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? एक पॉइंट और देखो, देखो इन सी फोर प्लांट कॉमन पॉइंट है, देखो इन सी फोर प्लांट, इन सी फोर प्लांट फोटो रेस्पिरेशन, अरे यार पता ही आपको, मैं बता रहा हूँ इन सी फोर प्लांट फोटो रेस्पिरेशन बेल नॉट अगर कितनी बार लिखवा दूंगा मैं, पहले तो यार कितने नॉट अगर ठीक है। अच्छा एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बात तो और ज्यादा, ये बेटा थ्री स्टार इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो पेरोक्सिसोम इज द मेन सेल ऑर्गेन्स, पेरोक्सिसोम इज द मेन सेल ऑर्गेन्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में मेन सेल ऑर्गेन कौन सा होता है, कौन सा होता है? पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम इज द मेन सेल ऑर्गेन्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन नीट में आता है ठीक, क्योंकि आपको ये तो पता होता है जनरली तीन होते हैं लेकिन मेन कौन सा होता है? पेरोक्सिसोम। चलो इतना क्लियर हुआ बेटा ये, तो ये तुम्हारा टॉपिक हो गया लाइट एक्शन और डार्क एक्शन, क्या क्या प्रोसेस होती है सब हो गया। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं निकालते हैं फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसे करो बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, न्यू एड करो, फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? वाटर, फोटोसिंथेसिस को करने से रोकते हैं, सही? तो कौन करते हैं? लाइट, ओनली लाइट, और कंसंट्रेशन बेटा, जिस जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो सारी चीजें क्या होती है? फैक्टर अफेक्टिंग। अगर किसी चीज की कमी हो रही है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आगे मैं आपको समझाऊंगा, पहले आपको एक पॉइंट दूं, पहले पॉइंट में हो गया आप पढ़ेंगे, ये सिंपली सा ग्राफ है। ये क्या है ग्राफ? सर आपसे नहीं कह रहा था, ये समझ में आया? आगे लाइट इंटेंसिटी, ये पता है किसका है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेबल बना रहा हूँ यार, बना नहीं रहा हूँ देख रहा हूँ, आपका फेवरेट डिस्क्रिप्शन है, ये कह रहा बना के देख रहा हूँ प्रिंबल, मैं इसका मतलब बातें करनी आती है बोलता नहीं जाना। अरे भैया आपको पता चला है ये बंद करना कहाँ है? सर ये क्या कराया आपने?
ये देखो, ए अगर अगर ऑप्टिमम लेवल में होता है मुझे तो रेट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है मैक्सिमम, लेकिन अगर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा रेट ऑफ कॉन्फिडेंस मिनिमम, सही है। ऑप्टिमम लेवल के लिए क्या करना चाहिए कटिंग करनी आती है हटिए ऑप्टिमम लिखना है गाली से भी काटिए बेटा, इतना समझ गए आपको कि ग्राफ का मतलब समझ गए क्या होता है। yes, अगर ऑप्टिमम लेवल पे है तो मैक्सिमम पोटेंशियल होगी, कम है तो कम होगी, ज्यादा है तब भी कम होगी। ऐसा नहीं कि आप लोग समझो कि फ्यूचर में ज्यादा दे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, या लाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम तब भी होगी, अगर कम होगा तब भी कम होगी, यानी ऑप्टिमम लेवल पे क्या होगी पोटेंशियल हाई होगी, सही है। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद आपको ये फैक्ट डालो, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम है क्या? ये लॉ का मतलब तो मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ी मतलब क्या होता है लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है, नाम पता लग रहा है आपको थोड़ा बहुत? देखो लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है एक साइंटिस्ट से नाम का लीवे, क्या था नाम से मतलब ज्यादा मतलब नहीं है ऐसा नाम है बेटा, इन्हें ये कहा था, इन्हें कहा था मान लिया एक वाटर है, CO2 है, लाइट है, सब कुछ है, सही है। इन्हें ये कहा था कि अगर इनमें से कोई भी तीनों चीजें मान लो, अगर इनमें से कोई भी चीज कम हो रही है तो वो हमेशा चाहे तुम देखो ऐसा, इसका मतलब समझो ध्यान से, इसका मतलब ये है CO2 कम कर दी, सही है, चाहे वाटर कितना भी प्लांट कर देना, चाहे लाइट कितनी प्लांट कर देना, लेकिन रेट ऑफ फोन पे हमेशा क्या होगा कम होगा, समझे बात, समझ गए। सेकंड नंबर बेटा, अगर आपने क्या किया CO2 बहुत दे दी, अच्छा क्या कर दी बहुत ज्यादा दे दी, तो आप लोग ये मत समझना कि रेट ऑफ फोन पे बढ़ जाएगा, वो क्या होगा तब भी कम होगा। यानी कि इन्हें कहा था कि मिनिमम का मतलब ये होता है कि हर चीज एवरेज होनी चाहिए, तब फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि भाई ये वाटर दे दिया आपने और आपने वो वाटर दे दिया और CO2 लाइट बहुत दे दी तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। समझ गए आपको क्या इसका मतलब? लिखो भाई लीवे, साइंटिस्ट का नाम है लीवे, एल आई ई बी ए की लीवे, देखो y लीवर l i e b a g, देखो देखो द लीवर, अब द क्यों बोल रहे हो? अरे यार भाई लीवर आगे बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एसेंशियलिटी, द एसेंशियलिटी, द एसेंशियलिटी, essentiality देखिए of any substance, of any substance to a process is determined, समझ गया बात क्या था बेटा? इन्हें ये कहा था कि जितने भी सबस्टेंस होते हैं, सही है, सबकी फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होती है एसेंशियलिटी होती है, अगर कोई भी चीज मिनिमम है कम है तो वो क्या करेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करेगी, मतलब डिटरमाइन का मतलब उसके अकॉर्डिंग, अगर कम जैसे आपने ऐसे समझो ये प्रिंसिपल है, सही है, इसके पापा ने कहा बाइक लेके जाओ, सही है, बाइक लेके जाओ, इसे 5 वाला बिस्किट मंगाया, अब इसके पापा ने दिए 3 रुपए खाली, अब इसके पास वो जाने के लिए तेल ही पूरा गाड़ी में पूरा टंकी फुल है, चला जाएगा आराम से, इसके पास एनर्जी भी गया जाने के लिए आराम से, लेकिन क्या इसे बिस्किट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो क्या हुआ वो वहाँ पे क्या हुआ कि हर चीज की सेंसिटिविटी जरूरी होती है, तब क्या होता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो इन्हें एक आता दी बैग में कि अगर जितनी भी चीज की सेंसिटिविटी है फोटोसिंथेसिस में तो वो ही चीज क्या करेगी हर एक चीज डिटरमाइन करेगी इसको फोटोसिंथेसिस, समझ गए आपको। इसके बाद एक एक लॉ और दिया था नेक्स्ट स्टार्टिंग में कर, यानी कहा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, law of limiting factor, law of
लिमिटिंग फैक्टर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कब किया था 1905 में लेकिन 1905 देखो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनने क्या बताया था, इनने भी वही बताया था जो अभी मैं समझा रहा था लॉ ऑफ मिनिमम। इनने ये कहा था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है जो फैक्टर लिमिट लिमिटिंग लिमिटिंग होता है, लिमिट का मतलब कम होता है, कम होता है वो क्या करता है फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करता है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? जो फैक्टर कम होता है जैसे मान लिया CO2 है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर जो भी है, अगर उसमें सब चीज बहुत हो, पानी में आप बहुत दे रहे हो, आप लोग CO2 भी बहुत है लेकिन लाइट कम दे रहे हो, तो लाइट क्या करेगा उस टाइम इसका वो करेगा लिमिटिंग फैक्टर का मतलब लाइट क्या करेगा डिटरमाइन करेगा किसको फोटोसिंथेसिस को। समझ गए नहीं समझे? यानी कि लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है कि वो रेट डिटरमाइनिंग एक फैक्टर है, क्या लिमिटिंग फैक्टर का मतलब रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर। सही है? देखो वाई ब्लैक मैन लिख लिया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, when a process controlled by many, controlled by many factor, then factor liya or देखो देन द रेट ऑफ दैट प्रोसेस इज लिमिटेड बाई ठीक है, लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ, ये तो मैं समझ नहीं आएगा मतलब लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट। बेटा अब मैं वैसे सिंपली समझाऊं आपको, मैंने ये बोला ही नहीं, कहा था कि जो फैक्टर यानी कि जो सब्सटेंस है वो कम मात्रा में होगा प्लांट के पास, वही क्या करेगा लिमिटिंग फैक्टर का रोल करेगा, यानी कि वही फोटोसिंथेसिस डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट होगा। अच्छा एक और बताओ, क्या एक फैक्टर है मान लिया कोई एक फैक्टर है वो ही एक बार में तो ए लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा एक बार, नहीं समझे कैसे देखो एक ही फैक्टर तो करेगा कैसे देखो। बेटा हम आपको समझो, जैसे मान लिया वाटर एवरेज है, CO2 उससे कम है और जो लाइट है वो उससे भी कम है, तो बताओ यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर काम कौन कर रहा है, लाइट जो कि सबसे कम है ना, तो वही तो रेट ए डिटरमाइन कर रही फोटोसिंथेसिस को, तो वही दे बता रहा है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, दैट फैक्टर इज नोन एज लिमिटिंग फैक्टर कॉमा वन फैक्टर इज लिमिटिंग एट वन टाइम, वन फैक्टर इज लिमिटिंग एट वन टाइम, वन फैक्टर इज लिमिटिंग एट वन टाइम। एक फैक्टर एक ही बार में लिमिटिंग काम करेगा और एक ही फैक्टर करेगा दो दिन ही करेंगे, सही है? ओके क्लियर। तो ये क्लियर को बताओ, इसमें यही बात ध्यान रखना बस कि बेटा कितने भी फैक्टर सही कुछ भी एक्स्ट्रा मिले लेकिन अगर आपको एक चीज कम मिले तो उसका मतलब आप क्या नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम नहीं कर पाओगे अपना, समझ गए आप लोग? जैसा कि आपको खाना दिया जाए वर्षा को आरती, इसका नाम क्या है वर्षा, बर्ताओ खाना दिया जाए सही है, और इससे और इसे पैसा दे दो तुम इसको जितना चाहिए, सही है, इसे मकान दे दो बहुत ब्याज दे दो,
सब कुछ तो सोचा है लेकिन क्या तो खाना तो एक काम कर पाई बेटा ऐसे तो मैं कह रहा था बिस्कुट लेके आना तो दो वाला भी जाता है दिक्कत ना नहीं दिलो कभी पापा ने तभी एक हो जाता कहा तो पांच ही वाला था ना कह रहा दाग लेते मैंने ऐसी पूछी कहा तो एक बच्चा बोला सर गाड़ी में जाएंगे पैदल चले जाएंगे लेकिन नहीं आएंगे अगर हम बन गए तो ना मैं एक बात बताऊँ इस सेंसिटिव बता रहा हूँ तो आपको सब चीज एवरेज चाहिए होती है खाना भी चाहिए होता है एवरेज पैसा भी चाहिए होता है और एवरेज रहने के लिए भी चाहिए होता है तभी आप क्या करो भी जाएंगे बेटा इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर लेकिन नंबर वन देखो लाइट लाइट दूसरा CO2 तीसरा टेम्परेचर और फोर्थ बेटा क्या होता है वाटर अच्छा ये बताओ लाइट टेम्परेचर और लाइट में कैसे डिफरेंट है लाइट में टेम्परेचर लाइट सनलाइट होती है एटमॉस्फेयर पर मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन बच्चे यही समझते हैं लाइट और टेम्परेचर लाइट का मतलब क्या होता है अरे बहुत समझते हैं टेम्परेचर और लाइट में क्या डिफरेंस है मेरी ग्रुप होती है ऐसा बोलते हैं ना लाइट का मतलब होता है बेटा सनलाइट जो आ रही है लेकिन वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर कितना है उसका कि सुबह को है दोपहर में है या शाम ठीक है तो पहला है क्या हम लाइट अच्छा ये बताओ लाइट डिपेंड करता है ना फोटो करता है मैंने आपको कहा था प्रिज्म जो बनाया था हमने तो सात लाइट एक कलर की लाइट में डिवाइड हुआ था तो बताओ मैं जो फोटो किसमें हो रही थी अगर साइंटिस्ट का नाम प्रेमपाल होगा तो अच्छा लगता तो कितना अच्छा लगता लेकिन है चलो इन्हें क्या क्या था बेटा इन्हें क्या क्या समझो इन्हें क्या कहते हैं कि एरिक यार्स का नाम होता है क्लैडोफोरा क्या होता है क्लैडोफोरा होता है ये क्या है एरिक और इसका नाम क्या है बेटा क्लैडोफोरा सही है इस पे इन्हें तीन लाइट डाली कितनी लाइट डाली तीन एक डाली ब्लू लाइट एक ग्रीन और एक रेड अब इन्हें बताया ना रहे थे कि यहाँ पे फोटो कौन से पार्ट में ज्यादा हो रही है नहीं पता लग रहा है ना लेकिन इन्हें क्या किया इन्हें इसके इधर साइड में एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करवाया किसको करवाया एरोबिक बैक्टीरिया तो इन्हें देखा कि थोड़े थोड़े टाइम बाद कि जो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया थे वो किधर साइड में थे रेड साइड और उससे सबसे कम इधर थे इधर साइड में और सबसे एवरेज इस साइड में थे ब्लू वाले साइड में तो इससे क्या पता लगा बताओ जिधर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उधर ज्यादा ऑक्सीजन आएगी और जिधर ज्यादा ऑक्सीजन आएगी उधर ज्यादा बैक्टीरिया होगी समझ गए तो इन्हें ऐसे प्रूव किया था कि रेड टाइप में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है वहां पे वहां और ये क्या है एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे कॉमन आई थिंक नो तो ये आप यहां पे इसका मतलब क्या होता है बेटा यहां पे क्या हो रही है क्या हो रही है तो क्लियर हुआ जी और भी आते हैं कि पढ़ने
ये क्या है क्रैनोप्लाइल बेटा, ये ऐसे हो सकता है कुछ संकेत बताओ किस पे उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था क्लैडोपोरा। और एक बात और ध्यान रखना एक्सपेरिमेंट जहां जिस पे होते हैं वो नाम याद रखना क्योंकि वहां से क्वेश्चन एक जरूर आते हैं और जेनेटिक्स तो हमेशा आते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या लिखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ लाइट वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक आई गॉट इट देख लिया बेटा ये क्या बना दो यहां पे क्या बना दो बताओ ये ग्राफ क्या बता रहा है ये क्या बता रहा है देखो ये डायग्राम में भी हम बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है रेट ऑफ फ्लो में बढ़ रहा है देखने जगह क्या बता रहा है कांस्टेंट सही है चाहे आप प्राइमरी वैल्यू कितनी बढ़ाओ ठीक है तो ये कौन सा दिया मैंने ऑप्टिमम कौन सा है ऑप्टिमम और ये बाद में क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है कौन सा पैसों से खरीद के लाते हैं क्या जी कुछ नहीं सर अपने बात करें तो कुछ नहीं आप अपने आप से नहीं कह सकते लाइट इंडस्ट्री गाना तो नहीं जाते मुझे लगता है वो सीधी इंसान एक बार ठीक है मन करना तुम्हारी ये बताओ हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं कौन से प्लांट होते हैं सी4 प्लांट और उससे भी हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं वो कैम्प्टन और सबसे कम सी3 अगर आप ऐसे देखना चाहो तो देख सकते हो आराम से पता है ए टेम्परेचर ऐसे लिखे सी3 सबसे कम सी4 सबसे ज्यादा कैम्प्टन उसके लिए ठीक है क्या करा ये देख जा ये किया टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम किस लिए होता है सी3 प्लांट में उससे ज्यादा सी4 को उससे ज्यादा सही सबसे ज्यादा मतलब सी4 रह सकता है नहीं कैम वो तो 0 फैक्टर देंगे अच्छा उन्होंने तो इसके बेटा दिन में खुलते ही नहीं है सही है लिखो
देखो क्या लिख रहा है इतना मेरे हो गया चलो कुछ है कुछ बेटा नीचे पॉइंट लिखो उसके पॉइंट देखो लाइट सैचुरेशन देखो लाइट सैचुरेशन occurs at 10% of the full sunlight. Light saturation occurs at 10% of the full sunlight. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जितनी भी sunlight आ रही है, उसका light saturation जो होता है, saturation मतलब होता है जितना थोड़ी देर से कम हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 10% सेड SHD वाला वाला सेट जो तुम बैठी हो सेट छाया वाला SHD सेट और इन डेंस फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रियली आर लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर इन नेचर देख लिया बेटा ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए मैं आपको बताऊं उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर लाइट का होता है वो रियली होता है क्यों होता है क्योंकि पहले से छाया में रहते हैं और ऐसे एंगल होता है ना बोला था तो धूप होती है धूप वो नीचे तक नहीं पाती सही है तो वहां पे बहुत रियली फोर ए लाइट का काम कौन करता है लिमिटिंग फैक्टर ऐसा नहीं कि लाइट नहीं आएगी फोटो नहीं करेंगे थोड़ी बहुत मिल जाए काम चल जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखो CO2 नंबर सेकंड का है इनका CO2 ये लाइट तो ऐसे क्वेश्चन होता है बताओ रियली ए रियली लिमिटिंग फैक्टर काम कौन करता है लाइट बताइए इनका CO2 डाल लिया अब देखो इधर देखो बेटा अगर आप प्लांट को CO2 ज्यादा दे रहे हो तभी फोटो देर क्या होगा कम होगा और कम दे रहे हो तब भी कम होगा ऑप्टिमल एनर्जी CO2 से देनी पड़ती है नेक्स्ट पॉइंट देखो CO2 इज द मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान CO2 इज द मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर It occupy the 0.03% से 0.04% क्या लिखा परसेंट लिया बाहर देने एटमॉस्फेयर आप लोग ऐसे लिख लो बेटा देखो क्या लिखा 0.03% लिख लिया से 0.04% पार्ट इन एटमॉस्फेयर ठीक है इसका इतना पार्ट होता है ना क्यों का एक चीज लिख लो ऐसा के या देखो अगर 0.03% है से 0.05% तक अरे वहां फोरा को लेकर नहीं इतना आ जाएगा फोरा नहीं आएगा क्या बिल्कुल आ जाएगा हाँ तो बेटा फोटो इंटेंस क्या होगी बाप इंक्रीज होगी क्या होगी इंक्रीज ये समझ गया आपको
अगर 0.03% से 0.05% दोगे तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर तुम 0.05% से 1% तक दोगे तो क्या होगी, 400 डिग्री क्या होगी, डिग्री तो सही है। और इसके बाद अगर इससे भी और ऊपर दे रहे हो तो क्या होगी, टॉक्सिक सही है। देखो सी फोर प्लांट सो ऐसा चलो सी फोर प्लांट सो क्लियर। सैचुरेशन एट अबाउट तीन सौ साठ and saturation is seen 450 mu
एल एल माइनस वन, न्यू एल एल माइनस वन, ठीक है, लिख लिया इसी में लिखो बेटा, या नेक्स्ट वन लिखो, लिखो दस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ सी टू, दस करंट, दस टी एच यू एस, उसने दस लिख दिया वैसे वाला, दस करंट अवेलेबिलिटी, दस करंट अवेलेबिलिटी ऑफ सी टू, लेवल इज लिमिटिंग, लेवल इज लिमिटिंग, अवेलेबिलिटी लिख दिया बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ सी टू, लेवल इज लिमिटिंग टू द सी थ्री प्लांट, हाँ तो बताओ लिमिटिंग मैट्रिक्स के लिए होगा सी थ्री प्लांट ज्यादा, ठीक है, तो आपको ऐसे लिख सकते हो सी थ्री और सी फोर, सही है, लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए होगा ज्यादा सी थ्री के लिए, उस टाइम सर आप क्या बोल रहे सी फोर के लिए, मैं कह रहा हूँ उल्टा हो गया मुझसे, मैं कुछ और समझा मैं रखता नहीं, मुझे समझता हूँ भाई, तो मुझे पता था मुझे कुछ और तरीके से समझा था अलग तरीके, ऐसे लिख लो क्या कर रही है वर्षा जी कर रही काम, अच्छा बताओ ये बताओ बेटा ये C3 की जो लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा क्यों है, जैसे ये आरती है आरती हमारे साथ, ठीक है, अब अगर इसे भूख ज्यादा लगती है खाना ज्यादा खाती है तो इसके लिए अब एक आरती खाना कम खाती है ज्यादा, तो लिमिटिंग किसके लिए ज्यादा होगा बताओ, वर्षा के लिए, काम वाले के लिए नहीं ज्यादा वाले के लिए, क्योंकि अगर इसे खाना नहीं मिला तो बेचैन हो जाएगी, और उसे नहीं मिलेगा चलेगा पूरा कम खाता हूँ कम खाता हूँ, ठीक है, तो ये किसके लिए लिमिटिंग, तो ऐसे ही यहाँ पे सही है, जो जिसके लिए ज्यादा चाहिए होता है वो क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर, उसके लिए वही इतना होता है, सही है, चलो बेटा इसके बाद मैं नेक्स्ट लिखा हूँ टेम्परेचर, टेम्परेचर उल्टा होता होगा क्यों, यहाँ भी उल्टा होता होगा, हाँ वो कह रही हूँ मुझे तो खाना पड़ता है ऐसा नहीं, टेम्परेचर का मतलब इसका इफेक्ट होता है, अच्छा इसका इफेक्ट कैसे होगा टेम्परेचर का, ये समझ नहीं आया बताओ, अभी तो बता रहा हूं, हां बताओ टेम्परेचर का मतलब इफेक्ट प्लांट पर कैसे होता है, ये रिएक्शन करते समय मतलब जब डार्क रिएक्शन करती है तो बेटा इसलिए होता है समझो, क्योंकि आपको बताया जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन कैसे होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखो एंजाइम अगर कहीं भी इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है टेम्परेचर, क्योंकि मैंने कहा था एंजाइम मैग्नम जो वर्क करते हैं मैग्नम और तो कब करते हैं ऑप्टिमम टाइम पर, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो क्या होगा इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्लियर है, तो लिखो देखो बोथ डार्क एंड लाइट रिएक्शन, बोथ डार्क एंड लाइट रिएक्शन, both dark and light reaction are temperature sensitive, are temperature sensitive, कैसे होती है temperature sensitive होती है, लिख लिया कॉमा लगाओ, लिखो लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन इफेक्टिव टू अ, इफेक्टिव टू अ मच लेजर, लेसर मतलब लेसर मतलब लेस, हाँ हाँ मच लेजर एक्सटेंड देन डार्क रिएक्शन, एक्सटेंड देन डार्क रिएक्शन बिकॉज, बिकॉज डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक, बिकॉज डार्क रिएक्शन, बिकॉज डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक, बीइंग एंजाइमेटिक, बेटा अब यहां सुन लो आपको लग रहा होगा कि लाइट रिएक्शन ज्यादा इफेक्ट होती हुई टेम्परेचर से, लेकिन कौन होती है
चार। अब आपको ये बात अगर चार दिन में नहीं होती है उसको टाइम से क्या इफेक्ट होता है? होता है। देखो समझो लाइट टेंशन क्यों इफेक्ट नहीं होती है? लाइट की बहुत कम जरूरत पड़ती है प्लांट को और वो प्रोड्यूस कर जाएगा कम लाइट में भी और ज्यादा होगी तब भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन डार्क ग्रीन कैसे होती है? एंजाइम इनहिबिशन कैसे होती है? वहाँ एंजाइम इन्वॉल्व होती है और जब एंजाइम इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे हमेशा बेटा टेम्परेचर होती है मतलब बहुत ज्यादा। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा यहाँ पे? एक डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन में कौन ज्यादा होगा? डार्क ग्रीन वहाँ पर जो डार्क ऐसे ठीक है। और ये बेटा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे भूल जाते हैं वाटर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा
स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हैंस रिड्यूसिंग द, हैंस रिड्यूसिंग द, ए तुम कल क्या था बेटा क्लास में अगर आया तो उस क्लास थोड़ा करो ना, हम करते सादा बन लो क्या, अगर आ रहा क्लास में पूरी क्लास पढ़ के जाऊंगा ठीक है, और वरना खाना देखो सीओटी आ रही है, कॉमा लगाओ देखो, वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, वाटर स्ट्रेस कंडीशन कॉजेस टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन कॉजेस देख लिया क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हैंस रिड्यूसिंग द CO2 एबिलिटी, इससे क्या होगा CO2 एबिलिटी क्या हो जाएगी, प्लांट को मिलेगी नहीं CO2, कॉमन लगाओ और लिखो वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स, वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स लीफ बिल्ड, लीफ बिल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, फोल्ड, लीफ क्या रहती है फोल्ड, किससे फोल्ड, जब क्या होता है वाटर का पानी का, सेकंड थर्ड पॉइंट क्या बोला था तुम्हारे, वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स लीफ बिल्ड, BYLD देख लिया, इसके बाद देखो कॉमा लगाओ और देखो रिड्यूसिंग सरफेस एरिया देख लिया, अरे मैं बहुत टाइम आराम बोल रहा हूँ, लीफ बिल्ड, लीफ बिल्ड लिख लिया, कॉमा लगाओ और देखो रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ लीफ, और बेटा एक बार बताओ जब सरफेस एरिया लीफ की कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी कम, सही, तो लिखो एंड फाइनली, एंड फाइनली फोटोसिंथेटिक यील्ड, फोटोसिंथेटिक यील्ड बाय ईएलडी यील्ड डिक्रीज, अच्छा यील्ड का मतलब क्या होता है, क्या यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड, यील्ड, यील्ड नहीं है, यील्ड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज नहीं, अरे सॉरी सॉरी यील्ड का मतलब क्या, यील्ड का मतलब है दर, नाम क्या होता है, अच्छा पैमाना, अच्छा पैमाना, यील्ड क्या होता है, दर होता है, दर का मतलब क्या होता है, रेट, रेट को दर बोलते हैं, हां दर ऐसे मान लो रेट मान लो, हां रेट को ही बोलते हैं, जैसे ये करते हैं ये जानते हैं दर वाले से क्या करते हैं, बताओ सर जैसे कि एक बीघे में देखो ना क्विंटल निकला तो उसे कहते हैं कि 5 क्विंटल प्रति बीघा, प्रति बीघा दर हो गई इतना, ऐसे रेट नहीं हुआ तुमको 4 क्विंटल प्रति घंटा का, इसमें भी घंटा लेकर ये रेट हो गया, दर का मतलब उसे एवरेज पूरा लेके और उसका इतना आता है, हमने एक ही जैसे अब मैं बता रहा हूँ रेट, मैं बता रहा हूँ एक बीघा का नहीं बोलते हैं, जैसे 5 बीघा में धान है आपका कितना बीघा में, और उसमें 5 बीघा 20 क्विंटल निकला कितना निकला 20 क्विंटल, तो दर क्या हुई उसकी 4 क्विंटल पर बीघा, ये दर हो गई, अब ये समझ गया इसके आ गया, ये बड़े लोग ये देखो भाई मैं समझा बेटा, ये बताओ तुम्हारी 5 बीघा जमीन है ठीक है, सही है, उसमें 50 क्विंटल धान होगा, होगा नहीं लेकिन हो जाएगा 50 क्विंटल ठीक है, तो बताओ तुम्हारी दर है दर पर बीघा कितनी आई, अरे एक बीघा कितने निकले, दर कितनी, दस क्विंटल प्रति बीघा, ये दर होती है, जन्म से नहीं फिर चली गई थी बीच में, लड़ाई हो गई थी, अरे नहीं लड़ाई 6 साल के लिए गई थी, मैं मारती मरा दी गई है, हमारी लड़ाई ये होती है, ये बहुत सारी कौन लड़ाई होती है, मतलब लड़ाई होती है सर, हम बोलते नहीं हैं फालतू की तो लड़ाई कर सकती है ना, हम ऐसा कोई काम करते हैं कि लड़ाई, हमारे बचपन से मैं तो सब एक बोलती हूँ,
चलो बेटा ये बताओ, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया हमको? बताओ कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है बताओ? मुझे इसमें नहीं है, एक उसमें है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हां बताओ डॉट कौन था पढ़ाई करो डॉट क्यों पढ़ाई की करो डॉट क्यों और पढ़ाई करने की डॉट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों में क्लैरेट्स और फाइबर्स, देखो फाइबर वो होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन था, लस्सी वाला नहीं आती है? हां पति का दूध वैसे भी है, ये डेड होता है ना फाइबर, ये डेड होता है, ये डेड होता है। हां और स्क्रैट्स क्या होता है? जैसे हमने कोकोनट का वो कर लिया है, हां वो बहुत टाइट टाइट वो भी डेड होता है, ये पूरा डेड ही डेड है, इसके में हमारा पूरा डेड, ये तो मुझे पता है सर, इसके पार्टी है ये। बताओ बेटा कोई डॉट है चैप्टर में? अगर कोई जरा सा भी डॉट हो तो मुझे बताओ, किसान जी बात सुनो। और एक बात और ध्यान रखना, फोटो सिंथेसिस बेटा लगभग मुझे लग रहा है 3 या 4 सेकंड, इसीलिए मैंने इसे बहुत आराम से काफी अटेंशन पढ़ाया हमको, जिससे हमको क्वेश्चन छूटे। बेटा किताब पढ़ाऊंगा,
वन नीड्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ओ टू ऑन, किसके लिए ज्यादा परफॉर्म? ये सिंपल ही है, वन नीड क्वेश्चन दीजिए ना, तो एक्सपेरिमेंट किया था तो मिंट वाला तो अलग है, मिंट वाला वन नीड क्वेश्चन दी, ध्यान नहीं आ रही आपको? हाँ बताओ किसके लिए ज्यादा, ऑप्शन दो। और भी बोलेगा ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट, ग्रीन सल्फर बैटरी, आरती आरती बताएगी। कितने कार्बन कैसे अच्छा वो कितने कार्बन कंपाउंड है एस्पार्टिक एसिड, तो क्या बनाता है वो, क्या बनाता है? पहले चार कार्बन कंपाउंड होता है, तो मैंने कैसे चार कार्बन है तो वो भी चार कार्बन होगा। ठीक है चलो बेटा क्वेश्चन पूछ जाओ, इससे पता नॉलेज मिलती है आपको, आप पता नहीं पूछते नहीं पढ़ते नहीं मेरा नेक्स्ट एक यहां कौन सा गया जाएगा ए मुझसे पूछ रहे थे सर। हां कौन से पूछ रहा हूं साइंटिस्ट बताओ टीमो ऑस्मोस ऑस्मोस हुई थी टीमो ऑस्मोटिक थोड़ी बड़ी थी हाँ वो कितने दी थी ऑप्शन दो ऑप्शन नहीं दूंगा ऐसा नहीं देना चाहिए तो मुझे और साइंस कहाँ से दिखाऊंगा एक ही तो बताएं चलो वो भूल जाओ तो मुझे नहीं दी वो बात बताएं अच्छा ये बताओ अब आपको ये बताओ टीमो ऑस्मोस रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ प्रोटीन में पहला ऑप्शन सुनो मैं बताऊँ पहला है मेम्ब्रेन दूसरा है प्रोटॉन पंप तीसरा है प्रोटॉन ग्रेडिएंट और चौथा और C3 तभी तो हम बोलते हैं C3 तीन भाग सही मुझे लगा था।
और बताओ क्या प्लांट का रेस्पिरेशन एनिमल का रेस्पिरेशन अलग टाइप से होता है
नहीं, क्योंकि जैसे सेल उनके पास है वैसे सेल हमारे पास है, डिफरेंस इतना है खाली, ए प्लांट और एंडोसाइट में डिफरेंस कितना है खाली, एक तो सेल वॉल नहीं है हमारे पास, उनके पास सेल वॉल होती है, सेकंड डिफरेंस होता है कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो तो उनका अलग पढ़ लिया हमने, लेकिन अब जो रेस्पिरेशन पढ़ोगे वो हमारा ही वैसे होता है वैसा ही प्लांट का होता है। यहाँ पे होता क्या, देखो आपने खाना खाया, सपोज आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने खाना खाया, वो देखो बात करना है, बंद ए बात कर रहा है, अभी नहीं समझ रहा है बात क्या कर जाती हूँ, ये देखो आपने क्या किया, आपने खाना खाया, तो क्या आपको खाना खाने से एनर्जी मिली थी, नहीं मिली ना, आपने तो खाना खाली खाया है, उसको फिर डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन क्यों करते हैं उसको, जिससे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, हमने चावल खाया, कोई चावल है जो ना खा जाएगा फ्रेड में, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपल फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे अगर प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लो, ये क्या है, इसके बाद शुगर है तो ग्लूकोज तोड़ लो, अब देखो ग्लूकोज उसके पास जाएगा, सेल के पास जाएगा, अभी भी हमें एटीपी नहीं मिला है, अभी भी हमें एनर्जी नहीं मिली है, एनर्जी कम मिलेगी, जब वो ग्लूकोज जाएगा और कहाँ जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हमारे सेल के अंदर होगा, कैसे होगा, सेल के अंदर, तब हमें एटीपी और एनएडीएच मिलेंगे, कब मिलेंगे, तब, और वो एटीपी हम यूज करते हैं, समझ गए बात को, तो ऐसे प्लांट का अभी तो हमने ग्लूकोज को बनाया है, अब क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन, क्या करना पड़ेगा, और बेटा अभी हमने जो प्लांट में खुद से ही एटीपी बनाई थी और खुद से ही उसने ग्लूकोज बनाने में खर्च कर दिए, अब जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा वो उससे एटीपी मिलेंगे, वो किस लिए मिलेंगे, एक्टिविटी की, प्लांट्स की एक्टिविटी होगी, एनिमल की होगी, ठीक है, तो अब जो एटीपी खर्च नहीं होंगे, अब एटीपी क्या होंगे, मिलेंगे इसके लिए हम लोगों के लिए, ठीक है, या प्लांट्स के लिए, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सेल में कैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और कैसे ब्रेक डाउन होने में, अच्छा ब्रेक डाउन होगा तो ओटू खर्च होगी वहां पे, ओटू जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन कैसा होता है, एरोबिक, कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनमें कैसा होता है, एनारोबिक, वहां पे ओटू की प्रेजेंस नहीं होती है, लेकिन बेटा आप लोग सोच रहे होंगे सर एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, एरोबिक में ओटू की जरूरत तो होती है लेकिन उससे एनर्जी भी ज्यादा मिलती है, अगर मान लीजिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में लगभग 38 एटीपी मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 38 एटीपी, सही है, एरोबिक में, और जब एनारोबिक होता है तो एक ग्लूकोज से कितने मिलते हैं, मात्र 2 एटीपी, तो इसका मतलब सोचो एनारोबिक में कितना नुकसान होता है, लेकिन कौन करता है, ईस्ट हो गया एनारोबिक करता है, आपको पता है हेल्पफुल बनती है जो बोसिस बनती है, तो एनारोबिक में बहुत नुकसान होता है, हम लोग अगर एनारोबिक करेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे कितना भी खाना खा लेते, लेकिन हम लोगों में कौन सा होता है, एरोबिक, बेटा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आपको ध्यान रखना है एक ग्लूकोज से किससे 38 एटीपी मुझे बनाना है, कितने बनाने, 38 एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनाने, कैसे, तोड़ के ब्रेक डाउन, तो कैसे होता है देखो समझते हैं थोड़ा, फिर मैं कल आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं, ये क्या नहीं कोई और सेल ऑर्गेनेल्स की बात करी थी यहाँ पे, किसकी करी थी, नहीं करी थी ना, खाली प्रोटीन की बात कर रहा था, लेकिन रेस्पिरेशन में किसकी बात करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इधर पता है आपको, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ऑफ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट अब होगा और जिसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया वही वे करता है या एरोबिक करता है, तो समझो, तो यहां पे देखो अब हम बात करेंगे किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया, किस करेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी होती है, ऐसी होती है, हां, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं पावर ऑफ द सेल, पहले तो हम रटते थे कि पावर ऑफ द सेल, पुस्तक आपको विदा कर चुका है, रटते थे ना क्वेश्चन आता था बगल में सेल माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि इसे क्यों बोलते हैं, अब हम बड़े हो गए, ठीक है, चलो ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, अच्छा अब हमें और सेल वॉल से मतलब है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म होगा, क्या होगा, सही है, अब देखो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, अब देखो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज आया किसके पास, साइटोप्लाज्म ग्लूकोज आया, ठीक है, सबसे पहले इस ग्लाइकोज से ग्लूकोज से बनता है बेटा पाइरूविक एसिड, क्या बनता है, पाइरूविक एसिड,
और इसके बनते हैं दो मॉलिक्यूल, कितने बनते हैं? दो मॉलिक्यूल्स, दो, यानी कि एक ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पाइरुवेट। यहाँ हमें जो मिलता है वो दो एटीपी मिलता है, कितना एटीपी मिलता है? दो, और दो क्या मिलता है? एनएडीपीएच। समझ गए आपको कितनी बात? अगर ग्लूकोज से पाइरुवेट कैसे करेगा यानी कन्वर्ट होगा तो हमें दो एटीपी मिलेंगे और दो क्या मिलेंगे? एनएडीपीएच। सही है, मिलेंगे हमें सेलुलर अपने खर्चे के लिए, मतलब एनर्जी के लिए। और आपको पता है एक एनएडीपीएच में क्या होता है? तीन एटीपी। हाँ सही तो है, एक एनएडीपीएच में क्या होता है? तीन एटीपी। ये बात समझ गए आपको? इतना अब देखो, एक अभी तो ग्लूकोज छूटा था ना इस तरीके से, अभी तो हमें बाहर इतना एनर्जी मिली है और हमें तो 38 चाहिए ना। यस सर। तो क्या होता है, ये पाइरुवेट एसिड अब दो बन गए ना, तो जो ये पाइरुवेट में जाते हैं इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये पाइरुवेट एसिड माइट्रेट साइकिल, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? क्रेब्स साइकिल। चलती है क्रेब्स साइकिल, उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और इधर क्या था? कैल्विन साइकिल। दोनों नाम से पहला कैल्विन साइकिल में क्या होता है? बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, पाइरुवेट एसिड है और ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, तो इससे पहले अपने फॉर्म को कन्वर्ट करता है। क्या करता है? फॉर्म को चेंज करता है। चेंज करने का मतलब क्या होता है? देखो जैसे आप शादी जाते हो, जाते हो जाते चलो बेटा आप देखो, ये देखो, अरे नहीं ऐसे जाते हो कपड़े पहनके आराम नहीं करता, मुझे बताएं। अरे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ पा, मैं ही बताना चाह रहा था। अभी मान लिया प्रिंसिपल की सिस्टर की शादी है और कहाँ पे बराबर है नॉर्मली, तो क्या होगा? ये इसीलिए कह रहा हूँ, मैं खा के रहा हूँ बेटा। इसके बाद ए बात सुनो, अब ये पता क्या करेगा, पूरे दिन तो ये ऐसे घूमता रहेगा, क्योंकि इसे काम करवाना है, लोगों को इन्वाइट करना है, सबको है, आराम से खाना खिलवाना है, सब तो ये कपड़े चेंज पहने होगा। लेकिन जैसे देखेगा बारात आने वाली है, मेहमान बहुत सारे आ गए, तो ये क्या करेगा, अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, तुरंत कपड़े व्यवहार निकाल के पहले पहन लेगा और तब ये शादी में इन्वॉल्व होगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे एक ही होता है कि जब ये पाइरुवेट एसिड क्रेब्स साइकिल में होते हैं तो ये अपनी फॉर्म क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। और बेटा ये कन्वर्ट जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, दो और बेटा हमें क्रेब्स साइकिल में होता है एक क्रेब्स साइकिल से मिलते हैं 12 एटीपी, कितने मिलते हैं? 12 एटीपी। और दो बार चलेगी ना, क्योंकि दो है ना इस टेस्ट में, तो कितनी बार चलेगी? दो बार। ऐसे हो सकते हैं एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्रेब्स साइकिल दो बार चलती है और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए जो कैल्विन साइकिल कितना चलती है? 6 बार। अब देखो 12 एक से मिले, दो से कितने मिल जाएंगे? 14। तो बेटा 12 अगर हमें एक टू करना पड़े तो कितने जाएंगे? 2 NADH और 2 ATP। तो इसका मतलब 6 हो गए, अभी तो 2 ही रहेंगे। अब देखो बेटा इसके बाद तुम्हें जो फॉर्म कन्वर्ट होते हैं लिंक रिएक्शन, क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। तो हमें अगर लिंक रिएक्शन की बात करें तो कितने मिलेंगे बताओ? 2 NADH है, तो 2 NADH का मतलब कितना होगा बेटा? 6 हो गए।
इसके बाद फिर एक की बात करते हैं, फिर एक तो एक से बारह दो से कितने मिलेंगे चौबीस, तो यहाँ से कितने चौबीस से बीस, तो बताओ कितने अगर कौन सा चौबीस से तीन सौ बार ऐसे हमें अड़तीस डिग्री की खाली नाम है बस एक ग्लूकोज तोड़ने में यही चैप्टर का नाम है तो कुछ नहीं सही है। एक बार ग्लाइकोलाइज पढ़ना अच्छे से एक बार फिर पढ़ना यस सर आया ए